हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स, मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज, जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से वेलकम है। गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले हम फेमिनेंस की एनर्जीज डिस्कस करते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक चेंज मैं देख पा रही हूँ। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ कॉइन्स। तो गाइस, एक बहुत ही स्ट्रगल शायद आप महसूस कर रहे होंगे, एक टर्बुलेंट सिचुएशन जहाँ पर एक जिद आ गई है आप में, एक स्टबर्न एटीट्यूड के अब आपको एक ऐसी सिचुएशन में एंटर करना है, आइदर दिस और दैट, यानी कि डू और डाई। काफ़ी टाइम तक इस सिनेरियो में शायद आप खुद को होल्ड नहीं कर पा रहे होंगे। वजह ऐसी होगी गाइस कि आइदर इस पर्सन का इंतज़ार कर करके आप शायद थक गए हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, और इस पर्सन की तरफ से कोई रेसिप्रोकेशन ना देख पाना तो ये भी शायद आपको काफ़ी सारे वेज में एग्जॉस्ट कर रहा होगा। आपकी एनर्जीज काफ़ी एग्जॉस्टेड मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और आप ख़ुद को एट द सेम टाइम शायद संभालने की भी कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ से यहाँ पर आप डिनाई नहीं कर सकते, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट रखा। मतलब एट ऑफ कॉइन्स के एनर्जीज से मैं ये कह सकती हूँ कि आपने बियॉन्ड द लिमिटेशंस शायद इस चीज़ को पुश करने की कोशिश की, और हमेशा एक पॉजिटिविटी प्रैक्टिस की इस पर्सन को लेकर या फिर इस कनेक्शन को लेकर। काफ़ी टाइम तक आप पॉजिटिव रहे गाइस, लेकिन नाउ दिस इज़ टू मच। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब तक आपके मैस्कुलिन को आपकी ज़िंदगी में कमबैक कर देना चाहिए था, लेकिन आपके मैस्कुलिन हो सकता है कुछ ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, स्टिल ये एक जगलिंग सिचुएशन में है, स्टिल एक रेजिस्टेंस में बने हुए हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है। आपने कई सारी बातें शायद इनसे कही होंगी, और अपने तरफ से जो जो भी क्लैरिटी बनती थी आपने सारी क्लैरिटीज इनके सामने रख दी, लेकिन फिर भी इस पर्सन का रेजिस्टेंस आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये जो स्ट्रगल है ये काफ़ी टाइम से बिल्टअप हुआ है गाइस। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कुछ टाइम से फेमिनिन्स की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैवी चल रही हैं, और हो सकता है ये जो सेट ऑफ फेमिनिन्स है इन्होंने हर वे से ट्राई करके देखने की कोशिश की कि चीज़ें अब संभल जाएंगी, लेकिन संभल नहीं पा रही हैं। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ गाइस, कुछ लोगों का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर शायद बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। कोई लोग होंगे आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, जो बार बार आपको किन ही बातों का एहसास दिला रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर द डेविल एंड द नाइन ऑफ कप्स के एनर्जीज हैं। कई सारी सेट ऑफ फेमिनिन्स अगर अपने मैस्कुलिन के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी में कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रही हैं, तो वजह यही है कि आपके जो सराउंड रहने वाले लोग हैं वो आपको एहसास दिला रहे होंगे कि आप कब तक वेट करोगे, या फिर आप कब अपनी लाइफ में सेटल हो जाओगे, अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करोगे, क्यों आप उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो जो शायद आपकी तरफ कोई रेसिप्रोकेशन रखते ही नहीं हैं। वो खुलकर ना तो हाँ कहते हैं, खुलकर ना ही ना कहते हैं, तो ऐसे इंसान का कब तक आप इंतज़ार करोगे। तो ऐसे लोगों का एक कंटिन्यूस शायद आप पर एक इम्पैक्ट आ रहा होगा, और ये आपका खुद का माइंड भी हो सकता है गाइस, कि अगर लिटरल लोग नहीं हैं तो हो सकता है आपका खुद का जो माइंड है वो आपको कई सारे वर्स्ट सिनेरियोज शायद शो कर रहा होगा कि अगर आप वक्त रहते अपनी ज़िंदगी को नहीं संभाल लेते हो तो चीज़ें और वर्सन हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि आपकी एक इंडिविजुअल लाइफ भी है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी से हटकर भी आपकी इंडिविजुअल लाइफ है जहाँ पर आप सुकून से रहना चाहते हो, और ये हर एक किसी की डिज़ायर है। दुनिया में हर इंसान सुकून से रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, लेकिन इस पर्सन की वजह से शायद आपकी कई सारे लाइफ के एरियाज एक होल्ड में चले गए हैं, पेंडिंग सिचुएशंस में चले गए हैं, और इस वजह से शायद आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो। ये करंट एनर्जीज हैं गाइस, और जिन किसी के साथ भी ये शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है उनसे यही कहा जा रहा है कि अगर आप इस पर्सन का इंतज़ार कर सकते हो तो
जरूर आप कीजिएगा गाइस, क्योंकि क्योंकि मैंने आपको आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में एक बात बताई थी कि कभी कभार क्या होता है, हम फ्रूटेशन के बहुत ज़्यादा नियर होते हैं, बहुत करीब होते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, तभी हम वॉक अवे करने की जिद में आ जाते हैं, मतलब चैलेंजेस और हार्ड हो जाते हैं। जैसे जैसे आप मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हो, चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। यही मैं आपको बातें बता रही थी थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में। तो ऐसा ही सिनेरियो शायद आप देख रहे होंगे। मैंने आपको ये एक पॉइंट भी बताया था कि कुछ लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, आपको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। तो कहने का मेरा ये मतलब है गाइस, अगर आपकी भी एनर्जीज इसी वे में लो हैं, तो आपको इस डिफ़िकल्ट फेज में एक सिल्वर लाइनिंग देखनी होगी, एक पॉजिटिव साइड देखना होगा, क्योंकि हर टावर मोमेंट में एक पॉजिटिविटी भी होती है, मतलब अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आपके साथ कुछ एडवर्स वे में हो रहा है तो यूनिवर्स के ही प्लान के तहत हो रहा होता है, और उन सारी नेगेटिव चीज़ों में अगर आप एक लाइट देखोगे, पॉजिटिव लाइट देखने की कोशिश करोगे, तो ये जो एक डिफ़िकल्ट सा सिनेरियो आपकी लाइफ में बना हुआ है, ये ईजी हो सकेगा, फाइन। और अगर लोग हैं जिनसे आप बात करके बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो ऐसे लोगों से कुछ टाइम के लिए एक डिस्कनेक्ट बनाकर रखिए। आई अंडरस्टैंड कि चीज़ें शायद आपके लिए अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी, लेकिन अगर आपका मन कहता है, अगर आपका इंट्यूशन ये कहता है कि आपके पर्सन कम बैक करेंगे, तो वो करेंगे गाइस। और यही वो टाइम है जहाँ पर आपको एक स्ट्रेंथ शो करनी होगी। अगर इस समय आप हार जाओगे, जैसे कि एट ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि शायद आप मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर वो उम्मीद ख़त्म सी हो रही है, तो अपनी उम्मीद को दोबारा से गैदर करने की कोशिश कीजिए, वो होप देखने की कोशिश कीजिए, ताकि लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर आप एक ऐसा कनेक्शन ना लूज़ कर दें अपनी ज़िंदगी से जो शायद आपके लिए ही बना है। Getting my point? तो यही सारी बातें आपको अभी राइट नाउ समझने की ज़रूरत है। ये जिस किसी की भी एनर्जीज हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज हैं, और कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ये भी सोच रही होंगी गाइस कि अगर आप अपने मैस्कुलिन पर एक साइलेंट वे में ब्लेम रख रहे हो कि इनकी वजह से आज आपको ये अपनी लाइफ का फेज देखना पड़ रहा है, इन्होंने शायद आपको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करवाया, और इन्हीं की वजह से आपने शायद अपने लाइफ के कई सारे एरियाज पर गिवअप कर दिया होगा। तो शायद आपकी लाइफ में जो भी लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन्हीं सारी बातों को शायद हाईलाइट करके आपको हो सकता है परेशान कर रहे होंगे गाइस। तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि उन लोगों की बातों पर आप ध्यान ज़्यादा ना दें, और इस एडवर्स टाइम में भी आप अपनी उस स्ट्रेंथ को बरकरार रखें। तो आप देखते हैं गाइस कि ऑन द अदर हैंड आपके मैस्कुलिन के एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स के एनर्जीज में आपके मैस्कुलिन बने हुए हैं। जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में देखा ही था कि आपके मैस्कुलिन एक खुद में एक इंस्पायरिंग किंग को महसूस कर रहे हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हैं और ये अपनी प्रॉब्लम से निकलना जानते हैं। अगर इनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कनेक्शन पर वर्क करना है, या फिर किसी पर्सन को मनाना है, और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर इनके माइंड में कन्फ्यूजन बना हुआ है आपको लेकर, तो फाइनली इनकी एनर्जीज एक पॉजिटिव शिफ्ट में प्रोसीड हो रही है। द मैजिशियन वाली एनर्जीज में ये बने हुए हैं, और आपको एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह ये देखते हैं। इनको पता है कि आप ही वो पर्सन हो जिनके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, और इस पर्सन को आप हद से ज़्यादा डिज़ायर करते हो अपनी ज़िंदगी में। आपका प्यार ये जानते हैं, आपका पैशन ये जानते हैं, आपकी फीलिंग्स को ये बहुत अच्छे से समझते हैं गाइस। लेकिन जैसे कि मैंने आज आपको बताया था, अगर कोई ऐसे लोग हैं इनकी लाइफ में जो इस कनेक्शन के लिए अप्रूवल नहीं देते हैं, तो उन लोगों के साथ कैसे डील करना है, ये शायद उन्हीं सारी चीज़ों को प्लान कर रहे होंगे। और एट द सेम टाइम अगर इनकी ज़िंदगी में और भी कई सारे ऑप्शंस हैं गाइस, जहाँ पर हो सकता है अगर इनकी भी शादी की बात चल रही है, ये भी अपनी ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं, और
मूव ऑन होना चाहते हैं, तो मे बी शायद ये कंपैरिजन रख रहे होंगे आप में और उन लोगों में या फिर उन ऑप्शंस में कि इन्हें कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके मैस्कुलिन अपनी दिल की सुनने वाले पर्सन है, राइट, ये अपनी डिजायर्स को पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो शायद हो सकता है इनका दिल आपसे जुड़ा है, इनकी डिजायर्स भी आप ही के साथ जुड़ी हैं, लेकिन अगर इनके घर पर इनको एक अप्रूवल नहीं मिलता है तो उस अप्रूवल को कैसे अचीव करना है, उन लोगों को कैसे मनाना है, शायद इन्हीं सारी प्लानिंग्स में आपके मैस्कुलिन बने हुए हैं विद द मैजिशियन एनर्जीज। और मैजिशियन कुछ भी कर सकता है गाइस, चीज़ों को पॉजिटिव भी कर सकता है, चीज़ों को नेगेटिव भी कर सकता है। तो आपके मैस्कुलिन क्योंकि एक पॉजिटिव शिफ्ट में है तो ये इस सारे सिनेरियो को एक पॉजिटिविटी की तरफ ही लेकर बढ़ रहे हैं, भले ही यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा। यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, इनको इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने में हो सकता है टाइम लगेगा, लेकिन शायद आपके लिए इंतज़ार बहुत ही ज़्यादा कठिन होता जा रहा है गाइस। तो आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज एक पॉजिटिव शिफ्ट में है लेकिन आप लोगों की एनर्जीज एक नेगेटिव शिफ्ट में जा रही हैं, तो आपको कम बैक करना पड़ेगा। अगर इस पर्सन पर आप थोड़ा सा भरोसा और दिखा सकोगे तो ज़रूर यू कैन गो अहेड एंड ट्राई टू लिसन टू योर इंट्यूशंस गाइस, क्योंकि इस समय आपको अगर कोई चीज़ बचा सकती है या फिर सही डायरेक्शन दिखा सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी इंट्यूशन। अगर आप अपनी इंट्यूशंस के साथ एक कनेक्टिविटी में आ जाएंगे तो शायद आपका ये जो कठिन सा रास्ता है वो आपको इजी लगने लगेगा, या फिर इस कठिन रास्ते में भी आप उन पॉसिबिलिटीज को देख सकोगे जो शायद अभी राइट नाउ आप नहीं देख पा रहे हो। ओके, तो ये जो भी सिचुएशन है एक हेवी सिचुएशन, हाउ इट इज़ प्रोसीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो डेथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज के साथ शिफ्ट होने वाली है ये जो भी सिचुएशन आप लोगों की बनी हुई है। तो ऑफ कोर्स देयर इज अ डेथ ऑफ एन ओल्ड एंड अ बिगनिंग ऑफ द न्यू, यहाँ पर कुछ जो भी ओल्ड चीज़ें हैं तो उन सारी चीज़ों का एक एंड होने वाला है, वो सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ से ख़त्म होने वाली है। जो भी एक ओल्ड पैटर्न था, एक नेगेटिव पैटर्न था जो आपको तकलीफ दे रहा है, जो आपको टेंशन दे रहा है, तो ऐसे पैटर्न को इवेंचुअली आप एंड कर पाओगे गाइस। और यहाँ पर एक पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आने वाली हैं, यानी कि एक जो इंस्पायरिंग एनर्जीज जिसकी कमी अभी शायद आप महसूस कर रहे हो कि आप मोटिवेटेड नहीं हो इस पर्सन का इंतज़ार करने के लिए, या फिर खुद में बहुत ही लो वाइब्रेशंस शायद अगर आप सेंस कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें एंड होने वाली हैं और आपके अंदर एक इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल एनर्जीज बिल्टअप होने वाली हैं, जहाँ पर हो सकता है आप दोबारा से इसी पर्सन को मैनिफेस्ट करें और काफ़ी सारे अदर लोगों के लिए मे बी एक न्यू रिलेशनशिप की एंट्री होने वाली है गाइस। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऑप्शंस हैं और काफ़ी टाइम से अगर आप कन्फ्यूज्ड हो इस पर्सन का इंतज़ार करते करते तो शायद पॉसिबिलिटीज़ आर देर। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मैस्कुलिन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी बहुत ही एक पॉजिटिविटी के साथ, लेकिन कुछ लोग जिनका इंट्यूशन उनका साथ नहीं दे रहा है और उनका इंट्यूशन ये कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, यानी कि डेथ वाली एनर्जीज उन लोगों के लिए भी हैं गाइस जिनका इंट्यूशन ये कहता है कि अब इनके मैस्कुलिन के साथ 3D लेवल पर कोई सिनेरियो बनता नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ 5D लेवल पर ही एक कनेक्टिविटी बनाकर रखनी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों के लिए हो सकता है देर इज़ एंड ऑफ द सिचुएशन, सिर्फ उन लोगों के लिए गाइस। एक नए रिलेशनशिप की यहाँ पर एंट्री होने वाली है, जो हो सकता है इस पर्सन के साथ आप एक न्यू बिगनिंग में आ सकते हो। जो भी आपके लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप या न्यू कमिटमेंट ऑफर आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं, और ये जो भी आपके मैस्कुलिन हैं इनके साथ जो भी आपका एक गिव एंड टेक था वो हो सकता है शायद एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा और आप लोग फॉर एवर एक 5D लेवल पर कनेक्टिविटी बनाकर रखोगे। जो अदर लोग हैं जो अपने मैस्कुलिन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपका इंट्यूशन भी ये कहता है कि आपके मैस्कुलिन आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, तो ज़रूर आप अपने मैस्कुलिन को ही दोबारा से उसी शिद्दत के साथ मैनिफेस्ट करोगे। और यहाँ पर क्योंकि एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज हैं, इट इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग, एक मैं ऐसा कह सकती हूँ कि नई शुरुआत,
जो भी आप दोनों के बीच में एक ओल्ड वे में बना हुआ था वो सारी चीज़ें वैनिश हो जाएंगी और आप अपने पर्सन के साथ एक बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट में आने वाले हो, जहाँ पर आपके मैस्कुलिन एक पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आएंगे। ये इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करेंगे और जितने लोग भी इस कनेक्शन के लिए अपोजिंग वे में बने हुए हैं, यानी कि अप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ हो सकता है आपके मैस्कुलिन ऐसे बिहेवियर में आ सकते हैं जहां पर ये क्लियरली उन लोगों से कह सकें। मैंने आपको आज बताया था कि आपके ये जो मैस्कुलिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं, चीज़ों को डायरेक्टली नहीं कह पाते होंगे, लेकिन इनकी एनर्जीज एक पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में कन्वर्ट होने वाली हैं। इट मीन्स दैट कि आपके मैस्कुलिन अब उन लोगों से क्लियर वे में बात करेंगे, आइदर दिस वे या दैट वे, डू और डाई वाली सिचुएशंस में आकर उनसे बात करेंगे कि मुझे यही पर्सन चाहिए मेरी ज़िंदगी में, वरना आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू मूव ऑन। ये उन लोगों से शायद कह देंगे अगर उनके तरफ ऑप्शंस प्रेजेंट किए गए हैं कि इन ऑप्शंस में से आपको एक सिलेक्शन रखनी है, तो आपके मैस्कुलिन शायद वहाँ पर क्लियरली कह देंगे कि मुझे मेरी फेमिनिन ही चाहिए, वरना मुझे इन ऑप्शंस में से भी किसी को सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये आपके मैस्कुलिन का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड होगा और यहाँ पर डेथ वाली एनर्जीज भी यही कहती हैं कि उन ऑप्शंस वाली सिचुएशंस में से फाइनली आपके मैस्कुलिन बाहर आ जाएंगे, वो सिचुएशनशिप एंड हो जाएगी, जहाँ पर हो सकता है इनकी ज़िंदगी में एक से दो मल्टीपल ऑप्शंस हैं और वहाँ से इनको अगर चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है तो ये सिलेक्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको, और आपके टूवर्ड्स ये एक एस ऑफ क्वाइंस वाली एनर्जीज प्रेजेंट करेंगे। इट इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन गाइज, हो सकता है आपके मैस्कुलिन ने आपको मैनिफेस्ट किया है या फिर ये आपको मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं, और इवेंचुअली जब यूनिवर्स इनकी तरफ वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर देगा जहाँ पर ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल एनर्जीज में आकर उन लोगों से क्लियर कट कम्युनिकेशन रखें ताकि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग में आए। ऑलराइट गाइस, तो आज का ये शिफ्ट जितने लोगों के साथ भी रेजोनेट कर रहा है, आई होप वो लोग इन सारी एनर्जीज को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और जो भी गाइडेंस एंड सजेशन आपको मिली है यहाँ से, प्लीज़ ट्राई टू ग्रैब दोज सजेशंस गाइस, ताकि आप अपने इस जर्नी पर एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ बने रहें। और अगर आपका इंट्यूशन ये कहता है कि 3D लेवल पर एटलीस्ट सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो यू कैन कनेक्ट विथ योर मैस्कुलिन ऑन अ 5D लेवल। तो आइदर वे जितने लोगों के साथ जो भी सिनेरियो रेजोनेट कर रहा है, आई होप इट विल हेल्प यू गाइस। तो ये शिफ्ट अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।